हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? सब उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं आप सभी का एयरफोर्स अग्निवीर के, आप सभी के जो फॉर्म फिलअप हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, यानी कि अब जो फॉर्म फिलअप हो गए एंड, ठीक है। तो इस बार आप सभी के टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे, और साथ में एग्जाम का लेवल कैसा रहेगा, टोटल वैकेंसीज इस बार कितनी हो सकती है, कितनी भर्ती है इस बार, ठीक है। क्योंकि आपका ऑफिशियल डाटा नहीं है कुछ भी, कभी तो आपसे भी कहा जाता है डाटा, कभी ये डाटा नहीं शो करता है कि वैकेंसीज कितनी होंगी। आगे आपसे भी का फॉर्म करेक्शन डेट आपसे भी की क्या रहने वाली है, फॉर्म करेक्शन कब से आपसे भी क्यों होंगे, फॉर्म करेक्शन वो लोग करेंगे जिनके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हुई है। तो बात करते हैं यहाँ पर, चलेगा, शुरू करते हैं यहाँ पर आपसे भी का। तो सबसे पहले जो यहाँ पर डाटा है वो देखते हैं। तो हाँ, सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर ये टॉपर ज्ञान अकेडमी है, इसको सब्सक्राइब कर देना। ये 135 हो चुके हैं और लास्ट 4-5 महीने से 135 तमन 34 ही थे ये। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यहाँ पर आप सभी के लिए रेलवे का भी शुरू हो जाएगा आपसे, चलेगा। तो जो RPF वाले हैं वो तैयार हो जाना। साथ में आप लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आपके यहाँ पर जो टोटल फॉर्म फिलअप है, बच्चे ने शेयर किया था ये कल का, ठीक है, कल का शाम के 4 बजे गए, 236,566, हम मान के चलते हैं 245,000, ठीक है। ये है 245,000 साइंस सब्जेक्ट का ये बच्चे ने भेजा है, 245,000 यानी कि 2.5 लाख मान के चलते हैं। और एक्स्ट्रा कुछ फॉर्म होंगे जो आप सभी के होंगे, जिसका सीरियल अलग होगा, जिसका सीरियल कुछ अलग होगा, ठीक है, उसका भी आप सभी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप सभी के टोटल कुल मिला के यहाँ पर लगभग इतने ही फॉर्म फिलअप हुए हैं जो आप सभी का, अगर साइंस सब्जेक्ट है तो कुछ भी है, सबका सीरियल नंबर 7 से शुरू है। तो इसका मतलब कि लगभग लगभग आप सभी के 240,000-245,000 के आसपास फॉर्म फिलअप हैं। अगर एक्स्ट्रा भी होगा तो 3 लाख से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, 3 लाख से ऊपर तो आप सभी के बिल्कुल भी फॉर्म फिलअप नहीं है, जो आपका ऑफिस जो मेरा डाटा कहता है, मेरा एक्सपेक्टेड डाटा अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन नंबर कहता है, वो आप सभी का कहता है कि आप सभी के 2.5 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं। कितने? 2.5 लाख, 2.5 लाख जो है आप सभी के फॉर्म फिलअप हुए हैं जो मेरा डाटा कहता है, ठीक है। बाकी इसमें जो फॉर्म रिजेक्ट होंगे या फिर कुछ प्रॉब्लम होगी वो दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा कुछ सीरियल नंबर अलग दे दिया हो जो मेरे पास नहीं आया हो वो दूसरी चीज़ है। बहरहाल 2.5 लाख फॉर्म फिलअप है, जो कि अकॉर्डिंग टू वैकेंसी मेरे को लगता है कि हाँ ज़्यादा फॉर्म फिलअप नहीं है, ठीक है, एवरेज फॉर्म फिलअप है। वैकेंसीज की अगर बात करते हैं, वैकेंसी, ठीक है, कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं होता तो ये वैकेंसीज कैसे आती हैं, तो एक जैसे कि हम नेवी SSR देखते हैं, SSR और आपका एयरफोर्स का जो होता है ना, ये टेक्निकल काम जो होते हैं ना, सेम से होते हैं। तो इसमें मान के चलते हैं जो आप सभी की वैकेंसीज हैं वो 2200 ऐसे आती हैं, 2000, कभी 2000 वैकेंसीज आती हैं, कभी 2200 आती हैं, कभी 3000 आती हैं, ठीक है। ये पहले एक बार ज़्यादा भी आती थी, 6000 वैकेंसीज आती थी, ठीक है, इसके इर्द गिर्द ये वैकेंसीज रहेंगी। हाँ, अग्निवीर के तहत डबल बच्चे बुला ले जाएँ तो ये 2200 की जगह लगभग 5000 तक भी जा सकती हैं, ठीक है। जैसे कि क्या हुआ था, आपकी वैकेंसीज एक फिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग लगभग 2200 के आसपास वैकेंसीज थी, कितनी? 2200 से आसपास वैकेंसीज थी। अब से 2 साल पहले की बात है, 2 साल नहीं यार, अग्निवीर जब शुरू हुआ था ना, उसके नेक्स्ट सेकंड इंटेक की, फिर क्या होता है ना, बच्चों का यहाँ पर क्या हुआ कि जिसने फिजिकल क्वालिफाई किया था, ठीक है, स्टेज 2 क्लियर था, उसमें क्या होता है कि जब मेडिकल के लिए बुलाए ना, मेडिकल के लिए या फिर आपसे भी ज्वाइनिंग के लिए आपका जो बुलाया था लास्ट टाइम, तो उसमें से लगभग 2200 बच्चों को बुला लिया। जब 2200 बच्चे चले गए तो उसमें से बच जाते हैं लगभग 2000 के आसपास, फिर से बच्चे रह गए। तो फिर क्या करते हैं, जिन बच्चों का मेडिकल फिजिकल क्वालिफाई हुआ था, स्टेज 2 क्वालिफाई था ना, उन सबको, टोटल बच्चों को उन्होंने फिर से ले लिया, ठीक है, यानी कि वैकेंसी डबल कर दी, और वैकेंसी जब बढ़ गई तो यानी कि सारे बच्चे जो फेज 2 क्लियर किया था उनको बुला लिया। तो यानी कि वैकेंसी कभी भी बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। हमारा ऑफिशियल डाटा वही है कि आपको लगभग 2500 के आसपास वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। वैकेंसी कम बढ़ती होती रहती हैं, आप लोग इसमें से जो आपको बताने में ना बता दिए। अब बात करते हैं फॉर्म करेक्शन कब होंगे, तो वही फॉर्म करेक्शन आप सभी के तब होंगे 2 या 3 दिन में, या फिर 4 दिन के अंदर, 2 या फिर 3 या फिर 4 दिन के अंदर अंदर आप सभी की एक नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है जी। आपके जो फॉर्म ऐसे आता है, जैसे कि आज सुबह को नोटिफिकेशन आ गया सुबह को 6 बजे, ठीक है, कहेगा कि आपके 10 बजे से फॉर्म क्या होंगे, अपडेट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट विंडो तो बनती नहीं है, तो वो क्या होता है, 2 दिन के लिए विंडो ओपन होती है, ओनली 2 डेज के लिए, 2 डेज के लिए होती है। आप लोग गलती ना करें, आपको यहाँ पर, ठीक है, आप लोग बिजी हो कुछ भी हो, जिससे कि आप सभी को डायरेक्ट खबर पहुंचे, उसका बेस्ट तरीका यहाँ पर यह है कि आप लोग जाएं टॉपर ज्ञान अकेडमी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। जैसे ही आपके यहाँ पर फॉर्म करेक्शन की कोई भी न्यूज़ आती है, मैं आपको टेलीग्राम पर सबसे पहले अपलोड कर दूंगा,
ठीक है, जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको सबको पता भी है, तो आप लोग जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ फिर आपसे भी क्या प्रार्थना है कि भाई जितने भी बच्चे हैं वो जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और सब्सक्राइब भी कर लेना। अब आता है भाई एग्जाम हार्ड आएगा इजी आएगा, ठीक है। देखो यार ये सिंपल व्यू पाने का तरीका होता है कि ये लिखना, ठीक है। एग्जाम का आप लोग नहीं कह सकते एग्जाम हार्ड है इजी है कैसा आएगा, क्यों? क्योंकि भाई एग्जाम आने के बाद पता चलेगा ना, अभी कुछ भी नहीं आएगा। कट ऑफ क्या रहेगी? कट ऑफ भी एग्जाम पर डिपेंड करेगी। एग्जाम आसान आएगा कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक है। एग्जाम आपसे भी का इजी आएगा कट ऑफ हाई, और एग्जाम हार्ड तो कट ऑफ इजी कम, तो इसके बारे में भूल जाए, ठीक है। क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कट ऑफ एक एक्सपेक्टेड रहेगी, आप सभी को दिखा देता हूं मैं। तो फिर से कह देता हूं आप सभी को कि कट ऑफ आप सभी की वही सिंपल एक्स ग्रुप की अगर बात करते हैं तो आप सभी के 25 के समथिंग रहेगी, ठीक है। 25 के समथिंग कट ऑफ रहेगी। वाई ग्रुप की बात करते हैं तो आप सभी के यहाँ पर बॉयज की वही 33, 4, 5, ठीक है, 34, 34 के समथिंग आप सभी की कट ऑफ रहेगी, या फिर एक दो नंबर ऊपर नीचे। आपको तैयारी करनी है एक्स ग्रुप में, आप सभी को तैयारी करनी है 50 मार्क्स की। वाई ग्रुप में तैयारी करनी है आप सभी को 45 मार्क्स की, ठीक है। अगर आप लोग इसकी तैयारी इतने मार्क्स सोच कर तैयारी करते ना तो भाई आपका फाइनल तक सिलेक्शन होगा। ये आपको टारगेट बना के चलना है, इतने मार्क्स तो हमारे बनने चाहिए एग्जाम के लिए अगर सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से अकॉर्डिंग करते रहे तैयारी। और यहाँ पर बार बार ये जो वीडियो आते हैं ना इस टाइप की कि हाँ भाई एग्जाम हार्ड होगा इजी होगा कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है, लेवल क्या रहेगा, कुछ नहीं देखना। एग्जाम सितंबर में बस जी जान लगा दो एग्जाम की तैयारी करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना दोस्तों में। हाँ मैं कैसा लग रहा है ये बता देना, चलेगा।